हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। होप सो आप सब अपने घर पे सही हैं और सेफ हैं। ठीक है, तो आज हम आपका क्लास सिक्स का आईसीटी चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे और इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, डिजाइनिंग इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ठीक है, डिजाइनिंग इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जैसे कि नाम से ही पता चला होगा कि इसमें हमें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट चलाना है, जिसे हम एमएस पावर पॉइंट भी कहते हैं और आपने क्लास फिफ्थ में भी इसे सीखा है। ठीक है, तो इसमें कुछ एडवांस लेवल का आप सीखोगे, तो आप बने रहिए इस वीडियो में और ये वीडियो आपको फुल देखनी है। और ये हमारा फर्स्ट पार्ट है चैप्टर 3 के रिगार्डिंग। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है तो इसे आपको पूरा देखना है। तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ेंगे हम अप्लाई डिजाइन टेम्पलेट्स एंड थीम, कैसे हम एमएस पावर पॉइंट में टेम्पलेट और डिजाइन थीम को लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सेकंड, चेंज द कलर स्कीम, कलर को कैसे चेंज कर सकते हैं, अलग अलग स्लाइड्स में कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्रिएट मास्टर स्लाइड्स, मास्टर स्लाइड्स हम कैसे कैसे बना सकते हैं। और लास्ट आपका रीअरेंज स्लाइड्स, कैसे हम रीअरेंज कर सकते हैं स्लाइड्स को। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हम क्या करेंगे, फर्स्ट ही सीखेंगे आज अप्लाई डिजाइन टेम्पलेट्स एंड थीम। तो ये सब हम प्रैक्टिकल भी पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल भी सीखेंगे और इसका थ्योरीज भी देख लेंगे। ठीक है, अब देखो तो फर्स्ट क्या आपका डिजाइन टेम्पलेट एंड थीम। तो इसमें क्या है, द डिजाइन टैब अलाउ यू टू अप्लाई ए बिल्ड इन थीम। ठीक है, एम एस पावर पॉइंट जो होता है वो आपको कुछ ऑप्शन देता है। ठीक है, थीम का, टेम्पलेट का, वो पहले से ही आपको बिल्ड इन होता है उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को, आपको बस उसको यूज करना होता है। ठीक है, अगर आपको एक्स्ट्रा कोई टेम्पलेट या थीम चाहिए जो रिक्वायर है आपको, तो वो आपको या तो डाउनलोड करना पड़ेगा या परचेज करना पड़ेगा। वैसे ज़्यादातर हमारा काम किस में हो जाता है, जो उसमें बिल्ड इन हमें प्रोवाइड होता है एमएस पावर पॉइंट की तरफ से, उसमें हमारा काम हो जाता है। ये जो आप स्लाइड्स देख रहे हो ये सब क्या है, ये सब आपका उसमें ही है, पावर पॉइंट में ही हम काम कर रहे हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ के लिखा है टू अप्लाई ए थीम फॉलो गिवन स्टेप्स, आपको क्या करना है, स्टेप्स को देखना है। ठीक है, फिर फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, फर्स्ट स्टेप है क्रिएट ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑन प्लेस आई वॉन्ट टू विजिट। ठीक है, ये जो है आपका लिखा है ना प्लेस आई वॉन्ट टू विजिट, ये आपको जब आप एम एस पावर पॉइंट ओपन करेंगे तो फर्स्ट जो स्लाइड होगी जिसमें आपने कुछ नहीं कराया अभी तक, जो फर्स्ट स्लाइड आपको प्रोवाइड होगी उसमें ये लिखा हुआ होता है। ठीक है, ये हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। फिर क्या लिखा है देखो, ओपन द प्रेजेंटेशन इन एम एस पावर पॉइंट, आपको क्या करना है, प्रेजेंटेशन ओपन करनी है। अगर आपके पास कोई प्रेजेंटेशन पहले से तैयार है तो आप उसको ओपन कर सकते हो, अगर आपके पास तैयार नहीं है तो आप प्रेजेंटेशन को बना सकते हो। फिर थर्ड स्टेप क्या है हमारा, क्लिक ऑन द डिजाइन टैब, आपको कहाँ क्लिक करना है, डिजाइन टैब पे आपको क्लिक करना है। फिर आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा देखो, फ्रॉम द थीम ग्रुप क्लिक द मोर बटन, एक थीम ग्रुप आता है आपका। ठीक है, होम पे आपका थीम ग्रुप आता है, फिर दिखाऊंगा मैं आपको, उसमें मोर बटन को आपको सेलेक्ट करना है। फिर आपको क्या होगा, फिर आपको थीम अपीयर्स हो जाएंगी, या अपीयर्स माने दिख जाएंगी, जितनी भी आपको थीम्स मिलेंगी एम एस पावर पॉइंट की तरफ से वो आपको मिल जाएंगी। फिर सिक्स्थ आपका क्या स्टेप, टू व्यू द प्रीव्यू ऑफ थीम इन द लिस्ट, हाउएवर द पॉइंटर ऑन द रिक्वायर्ड थीम, आप क्या करोगे, आप जो आपको रिक्वायर्ड थीम है उसको आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो और सब स्लाइड्स में आप क्या अप्लाई कर सकते हो। फिर क्या लिखा है, टू अप्लाई एन एप्रोप्रिएट थीम क्लिक ऑन इट, जो आपको अच्छी लग रही है थीम उस पर आप क्लिक करिए और वो आपका अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो आज हमने इतना पढ़ा, अब इसका हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल करते हैं। देखो ये है आपका एम एस पावर पॉइंट। ठीक है, ये आपका क्या है, एम एस पावर पॉइंट है आपका, आपको दिख रहा होगा बहुत अच्छे से, मैं आपको स्क्रीन आपको दिख जाए इस तरीके से।
आपको दिखा रहा हूँ, चलो ये आपको दिख गया ठीक है। ये तो हमने स्लाइड्स बना रखी, ये बेटा स्लाइड्स होती है, ये आपकी पूरी प्रेजेंटेशन है ठीक है। हम किस में, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हम काम कर रहे हैं, और इसमें ये जो आपके ये फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड, फोर्थ स्लाइड, तो ये आपकी क्या होती है, स्लाइड्स होती है। और ये स्लाइड्स का मर्जअप क्या कहलाता है, प्रेजेंटेशन कहलाता है ठीक है। आप क्या कह सकते हो, ये प्रेजेंटेशन इज द कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स ठीक है, ए प्रेजेंटेशन इज ए कलेक्शन ऑफ स्लाइड। तो स्लाइड्स का जो कलेक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन कहते हैं। अब देखो, अब हम न्यू करते, चलो ये तो हमने बना रखी है, आपको सिखाता हूँ। न्यू पे हम जैसे ही गए, हमने यहाँ ब्लैंक आया, ब्लैंक प्रेजेंटेशन को हमने क्रिएट कर दिया ठीक है, क्रिएट कर दिया। तो यहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ क्लिक टू एड टाइटल, क्लिक टू एड सब टाइटल, तो यहाँ आप क्लिक टू एड टाइटल क्लिक करो, आप यहाँ लिख लो स्कूल ठीक, और यहाँ पे आप लिख लो अपना स्कूल का नाम ठीक है। जैसे आपके स्कूल का नाम है ग्रीन फील्ड एकेडमी ठीक है, ये हमने लिख दिया ठीक। अब इसमें हमें अप्लाई कैसे करनी है थी वो देखते हैं ठीक है। चलो सेकंड भी ले लेते हैं, सेकंड ले लिया, इसमें भी हम लिख देते हैं स्कूल, और यहाँ लिख देते हैं क्लास सिक्स ओके। तो हमें अभी आपको क्या दिख रहा है, अभी आपको यहाँ सिंपल दिख रहा है ठीक है। हमें यहाँ क्या करना है, हमने क्या सीखा, टेम्पलेट और थीम को अप्लाई करना है ठीक है, टेम्पलेट और थीम को अप्लाई करना है, ये ध्यान रखना। फिर अब देखो, यहाँ आप गए इंसर्ट पे, तो यहाँ पे आपको नहीं मिला, डिजाइन पे जाना है आपको, किस पे आना है, डिजाइन पे जाना है। डिजाइन पे आपको ये थीम ग्रुप मिल जाएगा, मिल गया थीम ग्रुप। आप जिस थीम पे आप क्लिक करेंगे या जाएंगे ठीक है, अपना कर्सर या पॉइंटर आप लेके जाएंगे, वो थीम में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। देखो आपको दिख रहा होगा बहुत अच्छे से कि आपका फॉन्ट भी चेंज हो रहे हैं और आपका पीछे का बैकग्राउंड भी चेंज हो रहा है। तो ये क्या होता है, थीम होती है ठीक है। अब मैंने थीम पे डबल सिंगल क्लिक करा तो ये दोनों में आपका अप्लाई हो गया, हो गया अप्लाई, दोनों स्लाइड्स में हमारा अप्लाई हो गया। अगर हमें ये फर्स्ट स्लाइड में अलग थीम करनी हो, सेकंड में अलग थीम करनी है, तो हम कैसे करेंगे, देखो हमें फर्स्ट में ये वाली थीम लगानी है ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद हमें ऑप्शन मिल जाते हैं, अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स, अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड, हम सिलेक्टेड स्लाइड पर कर देंगे क्लिक, तो ये खाली सिलेक्टेड स्लाइड पर हुआ। देखो सेकंड वाले की थीम नहीं बदली है, सेकंड स्लाइड की, फर्स्ट स्लाइड की हमारी थीम चेंज हो गई है ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा आपका चैप्टर नंबर 3 डिजाइनिंग इन एमएस पावर पॉइंट, और उसमें हमने क्या सीखा था, उसमें हमने सीखा है, तो देखो उसमें हमने अभी ये फर्स्ट पॉइंट सीखा है, अप्लाई डिजाइन टेम्पलेट एंड थीम ठीक है। अब सेकंड, हम सेकंड लेक्चर में, सेकंड वीडियो में चेंज द कलर स्कीम सीखेंगे। तो आप इस वीडियो को रिपीट करते रहिए, बार बार देखिए, तो आपको बहुत अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे ओके स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।